नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं वीरी टीवी भारत। द कश्मीर फाइल्स को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। कई लोग नहीं जानते होंगे कि आखिर कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ आखिर हुआ क्या। आज से 31 साल पहले 19 जनवरी 1990 का वो दिन जब कश्मीरी पंडितों को अत्याचार का सामना करना पड़ा और उनके अपनों ने ही उन्हें घर से भागने पर मजबूर कर दिया। कश्मीर में हिंदुओं के साथ कैसी त्रासदी हुई, कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ क्या हुआ, ये सच आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि आज देश भर में अल्पसंख्यक के नाम पर नया आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म और उनके दर्द को आप महसूस करना चाहते हैं तो वीरी टीवी भारत पर इन कश्मीरी पंडितों की झकझोर देने वाली कहानी जरूर देखें। उस वक्त जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार थी, लेकिन सही मायने में वहाँ हुकूमत चल रही थी आतंकवादियों और अलगाववादियों की। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ आतंकवाद का ये खूनी खेल शुरू हुआ था साल 1986-87 में, जब सैयद सलाहुद्दीन और यासीन मलिक जैसे आतंकवादी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे थे। साल 1987 के विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता के सामने दो रास्ते थे, या तो वो भारत के लोकतंत्र में भरोसा करने वाली सरकार चुने या फिर उस कट्टरपंथी यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट का साथ दे जिसका मंसूबा कश्मीर को पाकिस्तान बनाना था और जिसके इशारे पर कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की जा रही थी। हिंसा और आतंकवाद के माहौल में भी जम्मू कश्मीर की जनता ने अपने लिए लोकतंत्र का रास्ता चुना। फारूख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद कट्टरपंथियों ने कश्मीर की आजादी की मांग और तेज कर दी और हिंदुओं का नरसंहार होने लगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की फारूख अब्दुल्ला सरकार कट्टरपंथियों के सामने तमाशबीन बनी रही। कश्मीरी पंडितों के पलायन के रूप में 19 जनवरी को जाना जाता है। 1990 में इसी दिन सैकड़ों कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया था। कई जगहों पर सामूहिक नरसंहार को अंजाम दिया गया था। कश्मीरी पंडितों की महिलाओं, बहनों, बेटियों के साथ गैंग रेप की वारदातों को अंजाम दिया गया था। कई लोगों को लकड़ी चीरने की मशीन से जिंदा चीर दिया गया। वो खौफ की रातें थी जब घरों में चिट्ठी फेंक कर भाग जाने को कहा जाता था। बताया जाता है कि मस्जिदों से काफिरों कश्मीर छोड़ो के नारे लगाए जाते थे। कहा जाता था कि हमें कश्मीरी पंडितों की औरतों के साथ कश्मीर चाहिए, यहाँ निजाम ए मुस्तफा चलेगा। हिंसक और आक्रामक भीड़ सड़कों पर निकलती थी, लूटपाट करती थी और मंदिरों को तोड़ती थी। आखिरकार 19 जनवरी 1990 में कश्मीरी पंडित अपने घरों सामानों को छोड़कर कश्मीर से निकल गए और अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेता इस पर कुछ नहीं बोले। माना जाता है कि अगर सेना को कश्मीर नहीं बुलाया जाता तो मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता था। जानकारी के मुताबिक हत्याओं और बलात्कार के ऐसे कई केस थे जिनमें कभी इंसाफ भी नहीं मिल सका। कश्मीरी पंडित समुदाय के कई नामी लोगों को चुन चुन करके मारा गया। खैर, एक कहानी से उन कश्मीरी पंडितों का दुख हम बयान नहीं कर सकते। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।